वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए से ब्लॉग में ये ट्रैक्टर शेयर कर रहा हूँ जो 2009 मॉडल है मेरे यार में। अभी तक मैंने इसका वो नहीं देखा है, हमारे शोरूम पहुँच चुका है अभी अभी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रैक्टर रह गया है पुराने मॉडल में। ये आप लोग देख सकते हैं कंडीशन को, अभी आप नज़दीक से करीब से ये इसके इंजन का हिस्सा चेक कर सकते हैं। साफ सुथरा फ्रेश जिसके साथ भी ये ट्रैक्टर हो जाएगा, किस्मत की दीवी उस पर मेहरबान, किस्मत की दीवी उस पर मेहरबान होगी। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ भी सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है। सैलाब की वजह से हमारे मुल्क में बहुत ही तबाही पीली हुई है। अल्लाह अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क पे रहम करे। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैंने अपने इसी पैसा अकाउंट से 500 रुपये का इजी पैसा के थ्रू 500 रुपये का इमदाद भेज दिया है हिदमत फाउंडेशन को। ये आप लोग फ्रंट साइड से इसका कंडीशन चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गाड़ी है। खुशकिस्मत होगा जो ये गाड़ी लेके ले जाएगा। अभी यहाँ पे ये कीचड़ है जिसकी वजह से हम इसका दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, हमारे वर्कर लगे हुए हैं ईंटों से इसको भर रहे हैं। ये अभी हम लोग इस ट्रैक्टर की दूसरी इंजन की दूसरी वाली साइड दिखाते हैं इसी ब्लॉग में। बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से ये ट्रैक्टर को बहुत ही गंदे हो चुके हैं। आप लोग टायर की कंडीशन भी देख सकते हैं, तकरीबन 10 आने टायर हैं। आप लोग डीजल पंप भी आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे यार में। ये डीजल पंप इस ट्रैक्टर का खुला हुआ है। ये 12 मॉडल है, 8वें महीने का 12 मॉडल। ये आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे 12वें 12 मॉडल 8वें महीने का। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी ट्रैक्टर है। टायर बिल्कुल तकरीबन 12 आने इसमें चेक कर सकते हैं। गंदी की है, कीचड़ ही कीचड़ है हर तरफ, सैलाब ही सैलाब है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से और ओवरसीज जो हमारे ओवरसीज फ्रेंड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुसीबत की इस घड़ी में हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ कोऑपरेशन करें, खुसूसी मदद करें। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम देगा। रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल माई ओवरसीज फ्रेंड दैट इंश्योर योर हेल्प, इंश्योर टू ऑल द पाकिस्तानी इफेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स। माशाल्लाह व्यूअर, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो बुरी लगी हो आप लोग अपने कमेंट्स का इजहार करें, कमेंट में अपने एहसास का इजहार करें। शुक्रिया, थैंक यू।